वेलकम टू टेक बस। आज हम रिव्यू कर रहे हैं 2018 की इसुजु DMX वी क्रॉस जो लॉन्च हो चुकी है और उसका प्राइसिंग रखा गया है 14.26 लाख से लेकर 15.76 लाख। ये कार दो वेरिएंट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और हाई वेरिएंट। आज हम स्टैंडर्ड वेरिएंट का रिव्यू कर रहे हैं। 2018 के वेरिएंट में एक नया रूबी रेड कलर भी ऐड किया गया है। बाकी इसमें एग्जिस्टिंग ऑर्चिड ब्राउन, कॉस्मिक ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर, ऑब्सिडियन ग्रे और स्प्लैश वाइट कलर्स भी अवेलेबल है। 2018 स्टैंडर्ड वेरिएंट में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसे कुछ चेंजेस किए गए जैसे ये नया साइड स्टेप दिया गया है, आगे की तरफ भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। फ्रंट में आपको वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, वही पुराना बम्पर मिलेगा। अगर आप हाई एंड वेरिएंट लेते तो आपको इन फॉग लैम्प्स की जगह पर LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगे। 2018 के मॉडल में आपको वही पुराने 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। पीछे हैंडल पर ये रेयर पार्किंग कैमरा दिया गया है। पीछे आपको मिलेगा ये रीडिज़ाइन टेलगेट। अगर आप हाई वेरिएंट लेते तो आपको बम्पर पर यहाँ पर क्रोम प्लेटिंग भी दिया जाएगा, साथ ही आपको मिलेंगे LED टेल लाइट्स। अंदर देखते हैं कि इस कार में कोई चेंजेस किए गए हैं क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कार में आपको BG इंटीरियर्स मिलेंगे। अंदर की तरफ भी इस कार में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बस अगर आप हाई वेरिएंट लेते तो आपको ब्लैक लेदर सीट्स मिलेंगे विद 6-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स। इस वेरिएंट में आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल फैब्रिक सीट्स मिलेंगे। फीचर्स की बात करेंगे तो आपको मिलेगा ये 7-inch का टच स्क्रीन सिस्टम जो अब सपोर्ट करता है रेयर पार्किंग कैमरा, साथ ही आपको मिलेगा ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नीचे आपको ये शिफ्ट ऑन द फ्लाई फोर व्हीलर सिस्टम का नॉब मिलेगा विद हाई टॉर्क मोड, साथ ही आपको मिलेंगे दो कवी होल्स। स्टोरेज का इस कार में काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कार में आपको दो ग्लव बॉक्सेस मिलेंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। दोनों में ही स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, थोड़ी बेहतर हो सकती थी। स्टेयरिंग व्हील में लेफ्ट की तरफ आपको मिलेंगे ये मल्टी फंक्शन बटन्स कॉल और वॉल्यूम के लिए। राइट साइड में हाई वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल का भी बटन मिलेगा। राइट की तरफ आपको मिलेंगे मिरर के एडजस्टमेंट बटन्स और हेडलैम्प के लेवलिंग बटन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पिछली मॉडल की तरह ही है। वैसे तो DMX एक लाइफस्टाइल व्हीकल है, बट इस कार को आप अपने फैमिली यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट का इस कार में काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। स्पेस की कोई कमी नहीं है, इसके रेयर सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस कार में जो 2.5 लीटर का इंजन दिया गया है वो ड्राइव करने में भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप हाई वेरिएंट लेते तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और गैजेट और मोबाइल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।